सब्सक्राइब कीजिए न्यू टेक इजी चैनल को और घंटी के आइकन को दबाइए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यू टेक इजी चैनल। मैं हूं शंकर, स्वागत करता हूं आप सभी का। तो दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो विंडोज अपडेट्स के बारे में है। दोस्तों, क्या होता है कि हम सभी जो विंडोज यूज करते हैं, पिराइटेड विंडोज, तो दोस्तों इस विंडो में क्या होता है कि जो ये वर्जन जो हम डाउनलोड करते हैं वो काफी पुराना होता है। तो ये जो अपने आप को ना पूरी तरह से अपडेट करने की कोशिश करता है, जो इसके अपडेटेड फाइल आती है ना वो काफी डेटा लेती है, काफी जीबीज में जो है वो डेटा लेती है, काफी जीबी डेटा वो खर्च करती है। तो दोस्तों इससे इफेक्ट क्या पड़ता है, जब भी हम अपने मोबाइल या फिर जो भी इंटरनेट कनेक्शन है उसको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम से जब कनेक्ट करते हैं तो वो मोर डेटा यानी अधिक डेटा को वो यूज लेने लग जाता है, यानी बहुत ही ज्यादा डेटा वो खर्च करने लग जाता है। तो दोस्तों होता क्या है, उस समय हमारा डेटा, मान लीजिए हमने 1 GB पर डे वाला पैक करा रखा है, तो वो 1 GB मात्र 1 या 2 मिनट में उसे खर्च कर देता है। तो जो जीबी थी वो बहुत जल्दी खत्म हो गई, और आपका जो कंप्यूटर या लैपटॉप सिस्टम में जो इंटरनेट है वो काफी स्लो चल रहा है। तो आप लोगों के कमेंट्स फिर आते हैं कि हमारा जो लैपटॉप है वो बहुत ही ज्यादा डेटा यूज करता है, जो ज्यादा डेटा खर्च करता है, फिर भी उसके बावजूद भी इंटरनेट बहुत ही स्लो चलता है। तो इसी प्रॉब्लम का जो कारण होता है वो है आपकी विंडोज अपडेट्स। सिंपली विंडोज अपडेट्स को आप ऑफ करने के लिए क्या करते हैं, आप अपने सर्च बार में जाकर कंट्रोल पैनल में चले जाते हैं, और कंट्रोल पैनल पे जाकर के आप विंडोज जो ये है विंडोज फायरवॉल, उस पर क्लिक करके आप यहाँ से इसे ऑफ कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप ऑफ करने के बाद क्या होता है कि जैसे आप अपना इंटरनेट कनेक्शन है वो इसे कनेक्ट करने के बाद वापस से रिकनेक्ट करते हैं, तो वो यहाँ से फिर से ऑन हो जाता है और बैकग्राउंड में अपडेट्स चलती रहती है, और आपका डेटा खत्म होता रहता है, खर्च होता रहता है वो भी बहुत ही फास्टली। तो दोस्तों मैं बताऊंगा आज कि आप कैसे आसानी से इसे डिसेबल कर सकते हैं परमानेंटली, और इसी का जो सही तरीका है वो क्या है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बेल यानी घंटी का आइकन, उसको दबाना ना भूले, जिससे क्या होगा कि दोस्तों आपको हमारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, आपकी तरफ से लाइक और शेयर ही हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। तो चलिए दोस्तों बता देते हैं किस तरह से आता है। सबसे पहले आपको सिंपली कुछ नहीं करना, सर्च बार में जाकर के सर्च करना है सर्विसेज। सर्विसेज पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आ गई सर्विसेज। सर्विसेज पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह से ओपन होगा, तो आपको ये यस की रिक्वेस्ट पर और क्लिक कर देना है। एक बार ये फिर से मांग रहा है तो मैं इसे ओपन कर देता हूँ। इस तरह से ये जो है ओपन हो जाएगा। ये सिंपली ये अल्फाबेट के हिसाब से जचे हुए हैं। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, विंडोज अपडेट एंड डब्ल्यू लास्ट में आएगा और अपडेट यू भी लास्ट में आता है, तो विंडोज अपडेट में लास्ट में मिलेगा। ये डब्ल्यू स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से अपडेट लगभग लास्ट में मिलेगा। तो ये देखिए विंडोज अपडेट, सिंपली कुछ नहीं करना, इस पर डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लीजिए। इस तरह का आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा। तो दोस्तों होता क्या है, ये तो मैंने अपने पीसी या लैपटॉप सिस्टम में है जो डिसेबल कर रखा है, आपके जो पीसी या लैपटॉप सिस्टम में मैनुअल होगा, और मैनुअल को जैसे देखिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपके लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम में ये शो करेगा। इस तरह से आपके लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम में शो करेगा। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर क्लिक करके मैनुअली की जगह डिसेबल पर क्लिक कर देना है। डिसेबल्ड पर जैसे आपने क्लिक किया या अब इस पर स्टॉप पर क्लिक करेंगे, अगर आपने पहले स्टॉप पर क्लिक किया तो आपका जो है स्टॉप नहीं होगा और आप कहीं कमेंट डालेंगे कि ये वीडियो फेक है। तो दोस्तों ध्यान रखें हर एक एक बात का, और इसी स्टॉप के बटन पर क्लिक कर दीजिए। स्टॉप के बटन पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों ये स्टॉप हो चुका है। ये जो पहले यहाँ पर स्टार्ट का बटन हाईलाइट नहीं हो रहा था, अब देखिए स्टॉप का बटन है जो हाईलाइट नहीं हो रहा और स्टार्ट का बटन है जो हाईलाइट हो रहा है। इस पर अप्लाई कर दीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। देखिए दोस्तों सिंपली ये हट चुका है। और इस तरीके पर जाने के लिए मैं आपको एक और भी बताता हूँ। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, जिस पे इसी के ऑप्शन पर क्लिक करना हो और इस मैनेज पर क्लिक कर देना है। मैनेज पर क्लिक करते ही आपके कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप में इतना टाइम नहीं लेगा। देखिए दोस्तों इस तरह से ओपन हो जाएगा। इस तरह से ओपन होने के बाद यहाँ पर है सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस पर, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे ये देखिए सर्विसेज आ गई, और ये देखिए यहाँ पर भी सर्विसेज आ गई। तो आप इस सर्विसेज पर यहाँ से क्लिक कर दीजिए या वहाँ से क्लिक कर दीजिए। इस तरह से हम उसी पेज पर वापस आ गए। सिंपली कुछ नहीं करना, नीचे जाकर आप विंडोज अपडेट फाइंड करनी है। जैसे आप नीचे जाकर विंडोज अपडेट फाइंड करेंगे उसी तरह से ये विंडोज अपडेट, इस पर क्लिक करना है और कुछ नहीं करना, आपको डबल क्लिक कर दीजिए। ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा, डबल क्लिक करना है। ये देखिए पहले से डिसेबल है इसलिए आपको डिसेबल शो कर रहा है। इस पर ओके पर क्लिक कर दीजिए, उसे आप कट कर देते हैं।
सिंपली कुछ नहीं करना दोस्तों। ये था एक विंडोज अपडेट्स को रोकने के लिए छोटी सी जानकारी, क्योंकि काफी कमेंट्स आ रहे थे कि आपका लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम वो बहुत ही जीबी या डेटा को जो है यूज करता है, तो इंटरनेट भी काफी स्लो चलाता है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नया सीखने के लिए एक अच्छे कंटेंट के साथ। चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही, बाय बाय दोस्तों।